हेलो मिठीज़ फैमिली मेम्बर, वेलकम बैक टू मिठीज़ फैमिली चैनल। तो अभी थ्रेडिंग बन रही है मेरी और संजू दीदी, मतलब कि आपने थंबनेल में तो देख ही लिया है। और संजू दीदी यहाँ पे मेरी थ्रेडिंग बना रही हैं। आईब्रोज़ मेन होता है यार हर औरत का, अगर थोड़ी सी भी आईब्रोज़ में ग्रोथ हो जाती है ना, शक्ल बड़ी अजीब दिखने लगती है मेरी तो बहुत ही। तो मुझे थ्रेडिंग बनवाना ही था, तो संजू जी ने कहा कि चलो मैं आपके आज आईब्रोज़ करती हूँ। तो फॉरहेड आईब्रोज़ अपर लिप्स करवाने के बाद मैं करवाऊँगी क्लीन अप। और आज का जो ये क्लीन अप है वो इतना इजी स्टेप है, मतलब आप तीन चीज़ खरीद लो और घर में खुद से कर सकते हो। सिर्फ ये फिंगर मूवमेंट जो है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले संजू दीदी ने फेस को क्लीन किया है क्लिंजर से, और यहाँ पे इन्होंने जो प्रोडक्ट्स लिए हैं वो है लोटस के। अगर आप अफोर्डेबल प्रोडक्ट चाहते हो तो आप एवर यूथ भी ले सकते हो, पर लोटस बहुत अच्छा है, क्योंकि जब ये इन्होंने क्लीनअप किया ना उसके बाद मेरा जो चेहरा था ना वो आप खुद देखना अभी। तो अच्छे से फेस को क्लीन कर लेना है, जैसे फिंगर मूवमेंट संजू दीदी के हाथ चल रहे हैं उसी तरीके से आपको हाथ चलाना है। नेक पे, लिप्स के आसपास, नोज के आसपास, सब जगह अच्छे से क्लीन करने के बाद इसको जो स्पंज होता है स्पंज को थोड़ा पानी में डालकर निचोड़कर इससे पोंछ देना है पूरे फेस को। तो फेस हमारा अच्छे से क्लीन हो गया है। अब इसी क्लीन फेस पे हम लगाएंगे स्क्रब, और स्क्रब को सबसे मतलब जहाँ पे बीच बीच पे रख इसलिए रही हैं क्योंकि इस जगह पे ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। स्किन जैसे कहीं काले घेरे होते हैं, झाई, दाग धब्बे, तो फॉरहेड, चिक्स, नोज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा होते हैं, लिप्स के आसपास भी होते हैं। लिप्स के आसपास मेरे भी हैं थोड़े थोड़े, मतलब काले धब्बे टाइप से हैं, बाकी मेरी स्किन तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है पहले से ही। पर जो ग्लो आया ना, क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं इस समय, धूप का मौसम है, सन टैनिंग होती है, साथ ही साथ बाहर जाते हैं पोल्यूशन होता है। अभी इस टाइम पे तो मैं कॉलरी एरिया में हूँ, यहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे जब इन्होंने स्क्रब किया उसके बाद ही मेरी स्किन में बहुत अच्छा सा मतलब सुधार हो गया था एक तरह से बोलेंगे। और स्क्रब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्लीनअप का। तो क्लिंजर, स्क्रब और पैक, इन तीन चीज़ों की, सिर्फ तीन चीज़ों से आपका जो क्लीनअप है वो बिल्कुल डन हो जाएगा। अगर आप बीच में और भी कुछ करना चाहते हो तो आप जेल और क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। तो स्क्रब को किस तरीके से करना है वो आप फिंगर देख रहे हो संजू दीदी की, फॉरहेड पे, लिप्स के पास, सब जगह अच्छे से स्क्रब को करना है। बिल्कुल लाइट हैंड से करना, बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग की स्किन सेंसिटिव होती है तो रेडनेस हो जाएगी। और उसके बाद हमारी जो स्किन है ये थोड़ी सी पानी में भीगी, जैसे बोलते हैं ना कपड़ा पहले से पानी में भिगो के रखो तो मैल जल्दी निकलता है, सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे भी। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे स्पंज गीला है और इससे थोड़ा सा संजू दीदी स्किन को खींच रही हैं, और यहाँ पे ब्लैक हेड रिमूवल जो टूल होता है आप बोलोगे मार्केट में आपको मिल जाएगा, इससे नोज़ के आसपास, नोज़ के ऊपर, लिप्स के आसपास, लिप्स के नीचे, जहाँ पे ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, जो काले काले धब्बे धब्बे से दिखते हैं वो हट जाएंगे। मेन तो वही होता है उसके ऊपर, इस स्किन के ऊपर क्लीनअप करने के बाद अगर आप मेकअप करते हो ना, इतना स्मूथ आपका बेस बनता है कि मैं क्या बताऊँ। इसलिए अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और गर्मियों के टाइम पर, तो ज़रूर करना क्लीनअप घर पर, टैनिंग से बचाए, टैनिंग अगर हो गई है तो। तो यहाँ पर ब्लैक हेड्स भी हट चुके हैं मेरे। और अब यहाँ पे संजू दीदी लगा रही हैं फेस पैक, जो कि अगेन है लोटस का, और ये ग्रीन टी वाला फेस पैक है। तो गर्मियों के लिए तो बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होता है वो हम सभी लोग जानते हैं। और मेरी स्किन ड्राई है तो यहाँ पे बिल्कुल पतली लेयर लगा रही हैं संजू दीदी। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप थिक लेयर भी लगा सकते हो, पर अगर ड्राई स्किन है तो बिल्कुल थिक लेयर लगाने से बचें और पतली सी लेयर लगाएं। और जैसे ही हल्का सा ये ड्राई हो जाता है उसके बाद आप अपने फेस को स्पंज, गीले स्पंज की मदद से साफ कर लें। तो यहाँ पे संजू दीदी ने मुझे बहुत कुछ बताया था, बताते जा रही थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये छोटी छोटी बातें शेयर करनी चाहिए। हर कोई ब्यूटी पार्लर नहीं जाता, हर कोई पार्लर का कोर्स नहीं करता, तो इसलिए सबके पास ये टिप्स पहुँचना चाहिए। और हर फीमेल के पास, हर फीमेल को सुंदर दिखना बहुत पसंद होता है, इसलिए आप भी ये करना। तो बस फेस पैक हट जाएगा और मेरा क्लीनअप हो गया है डन। ये देखो नेचुरल फेस। सो गाइस, क्लीनअप हो चुका है डन, और आज हम लोग कहीं जाने वाले हैं, मैं और संजू दीदी। अभी मुझे रेडी होना है, पर अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं चाय नहीं पी हूँ, नहाई हूँ, हेयर वॉश किया है मैंने और नहाई हूँ, सीधे बैठ गई हूँ क्लीनअप करवाने। और अभी जा रही हूँ, मॉइस्चराइजर लगाऊंगी फेस पे और उसके बाद चाय वाय पीऊँगी और फिर रेडी होके चलते हैं घूमने। तो घर में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, हम फटाफट से रेडी हुए और चले आए थे यहाँ पर, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। और संजू दीदी की फ्रेंड कई बार फ़ोन भी की थी। अब संजू दीदी अगर सीख रही हैं तो उसका कुछ तो मतलब प्रैक्टिस होना चाहिए। तो यहाँ पे अपनी फ्रेंड का मेकअप कर रही, बोल रही लाओ अच्छा मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। और ये बहुत सुंदर थी, इन्होंने बिल्कुल लाइट सा मेकअप करवाया, बहुत ही प्रिटी हैं। अभी आप देखना कि कितनी प्यारी लग रही है, अभी उनका हेयर स्टाइल बन रहा है। ये लो, खुद सुलझाने लगे क्या?
हाँ सही में मैं तो देखो ना ऐसा जूड़ा बना के आई हूँ, टाइम ही नहीं मिला, फटाफट फटाफट हाँ हेयर स्टाइल बना के जाने थोड़ा। मैं रेडी हो गई हूँ, दुल्हन के साथ मैं भी। चलो अब जिसने दुल्हन को तैयार किया वो तो दिखना ही चाहिए ना भाई, गुड अच्छे लगे। सगाई में भी बारात आती है ना, देखो यहाँ पे सगाई में बारात आती है और दुल्हन को देखो, ओ दुल्हन जी बड़ी एक्साइटमेंट है आपको देखने की। चलो देखते हम भी कहाँ आ रहे हैं, आप भी देखो कहाँ आ रही। देखो मैं दिख रही, अभी ठीक है, मजा आ रही है, काफ़ी देर से बैठे हैं ना। हाँ सुम्मी नहीं आई, और सुम्मी इसलिए नहीं आई क्योंकि हम लोग बाइक में दो ही लोग बैठ सकते थे और थोड़ा दूर भी था। अभी देखो क्या हो रहा है, तो अभी जो दुल्हन है वो सबके साथ हमारी फोटो क्लिक करवा रही है, अभी हमारे साथ भी क्लिक करवाई है, बच्चों के साथ क्लिक करवा रही है। अच्छे है ना संजू दी, मेकअप किसका, मेकअप उतर ही जाएगा यार, गर्मी बहुत अच्छे दिख रहे हो ऐसे भी। तो यहाँ पे मैंने छोटी छोटी क्लिप्स बनाई थी क्योंकि अगर मैं इंगेजमेंट में आई हूँ और आपके साथ थंबनेल में मैंने शेयर किया है तो थोड़ा सा क्लिप दिखाना ज़रूरी है। यहाँ पे सब लोग इतना इन्जॉय कर रहे थे कि मुझसे रहा ही नहीं गया, मैंने कहा कि आप लोग के साथ तो शेयर करना बनता है। तो ये देखो दूल्हे के साथ दुल्हन हो गई है बुलेट पे तैयार जाने के लिए स्टेज पे, और मैं बिल्कुल दूर से रिकॉर्डिंग की थी क्योंकि अब पहली बार मैं वहाँ गई थी, थोड़ा अटपटा लग रहा था। बाकी लोग जितने भी थे सब इतने अच्छे थे कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं वहाँ पहली बार गई हूँ, क्योंकि जो दुल्हन है उनका आपने स्वभाव देख ही लिया, मैंने रियल वॉइस में भी डाला वीडियो, बहुत अच्छा नेचर है। इतनी जल्दी वो मतलब इतनी अच्छी फ्रेंड बन गई थी मेरी कि मैं क्या बताऊँ, और उनकी पूरी फैमिली बहुत अच्छी थी, मतलब जो संजू दीदी के फ्रेंड की फैमिली बहुत अच्छी थी। तो अभी चलो इंगेजमेंट का देखते हैं। तो मैं सच बताऊँ मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं की थी, और मैंने किसी और से यहाँ पे लिया था ये क्लिप क्योंकि मैं बहुत पीछे थी और फिर भीड़ में घुस घुस कर वीडियो बनाना सही नहीं लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा कि चलो अब इतना दूर आपको दिखाई हूँ तो थोड़ा सा ये भी दिखा देती हूँ। और उनके पास भी रिंग सेरेमनी वाली वीडियो नहीं थी, जो भी था मैंने थोड़ा सा स्टेज का आपके साथ शेयर कर दिया है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था और घर में ये भी होता है कि यार आए हैं बाहर तो थोड़ा लगता है कि कहीं कोई घर में डांट वांट ना पड़े, इसलिए थोड़ा सा डर भी लग रहा था। तो अभी फटाफट से हम खाना खाएंगे और जाएंगे घर, बहुत लेट हो गया है, हम लोग अब घर जाने वाले हैं। रिंग सेरेमनी आपने देख ली, तो अभी हमने खाना वगैरह ले लिया है। खाने में मैंने लिया है कोफ्ता, शाही पनीर, कस्टर्ड, रायता और गुलाब जामुन, काफ़ी कुछ है। तो अभी फटाफट से खाते हैं क्योंकि घर भी निकलना है, शाम हो रही है, देखो अंधेरा हो रहा है। तो चलो अभी हम लोग घर चलते हैं। ये देखो संजू दीदी बैठी हैं, तो रो मत, मम्मी की याद आ रही क्या? तो चलो ठीक है, अभी हम लोग खा लेते हैं और फिर सीधे आपको घर पे मिलते हैं। और खाना सच में बहुत टेस्टी था, इसलिए एक तारीफ तो खाने के लिए बनती ही है। मैं सगाई से आने के बाद ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, खाना वाना खाए और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए थे। थोड़ा सा दूर था घर से, मतलब 45 मिनट का तो रास्ता ही रहा होगा, है ना मामी? यहाँ से छिंदा जहाँ हम लोग गए थे वहाँ 45 मिनट का तो रास्ता रहा होगा, है ना? फिर भी आधे घंटे का तो था ही रास्ता। तो मैं ब्लॉग एंड करना ही भूल गई थी, थक गए थे बहुत ज़्यादा और रात भी हो गई थी। तो आज मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। अभी मैंने एडिट किया ब्लॉग, मैंने देखा यार मैं लास्ट में ब्लॉग ही एंड नहीं की हूँ। तो चलो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय।